हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। होंडा SP 125 बस थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुई है एंड काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है उस बाइक की। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स ऑफ द SP 125। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। आप देख सकते हो कि SP 125 में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। जनरली एक मिड बजट बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं मिलता है एंड ये काफ़ी अच्छी बात है एंड ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। आपको यहाँ पर दो ट्रिप मीटर्स मिलेंगे, आपको कितनी माइलेज मिल रही है वो भी शो करेगा एंड स्पेशल फ्रेंड्स यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलेगा। जो 1 लाख 2 लाख के अंदर की बाइक्स होती है कुछ उसमें भी आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है एंड यहाँ पर 125 सीसी की बाइक में आपको मिल रहा है, विच इज़ टू गुड। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इज द हेडलाइट। इस बाइक में मिलती है आपको LED हेडलाइट जो दिखती भी अच्छी है एंड व्यू भी प्रॉपर देती है इन द नाइट। इस टाइप की बाइक में आपको LED हेडलाइट नहीं मिलती है, सिर्फ इसमें ही अवेलेबल है। आप चाहे तो आप इसकी जो सेगमेंट की जो दूसरी बाइक से इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। आपको कोई बाइक्स में LED हेडलाइट नहीं मिल रही है, सिर्फ इसमें ही मिल रही है। सो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज द माइलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल इस बाइक को माइलेज के लिए प्रीफर करते हैं एंड इट मैनेजेस टू गिव अ वेरी गुड माइलेज ऑफ 55 to 60 किलोमीटर्स पर लीटर, जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। एक 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज मिलती है एंड ये बाइक को ऑन करने के बाद आपको बहुत ही कम फ्यूल स्टॉप्स पे रुकना पड़ेगा, यानी कि इसकी माइलेज आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें भी इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द रिफाइंड इंजन। फ्रेंड्स, होंडा एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है एंड इसके जो व्हीकल्स हैं वो उसके इंजन की वजह से ही जाने जाते हैं एंड उसी की वजह से पॉपुलर, स्पेशली इन इंडिया। इसका जो इंजन है वो बहुत ही रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है एंड रिलायबल भी है। यानी कि इसका जो इंजन है उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म में भी इसके इंजन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड उसकी वजह से आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट इज द कम्फर्ट। इसकी जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। राइडिंग पोस्चर इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, अ परफेक्ट फैमिली बाइक। मैंने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि कुछ लेडीज़ को बाइक में बैठने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ बाइक्स की सीट हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, सो वो लोग कंफर्ट के साथ नहीं बैठ पाते। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक परफेक्ट फैमिली बाइक है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करेंगे एंड डेली कम्यूटिंग के लिए ये बाइक एंड ट्रैफिक में भी आपको इसको राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत इजीली आप इस बाइक को आराम से राइड कर सकोगे इन द हैवी ट्रैफिक आल्सो। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। फर्स्ट इज द टायर्स। एज यू कैन सी SP 125 में आपको बहुत ही थिन टायर्स मिल रहे हैं। ये माइलेज वाइज तो अच्छे हैं लेकिन जो रोड स्टेबिलिटी एंड ग्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ऑल्दो यू कैन अपग्रेड द टायर्स, लेकिन जो कंपनी फिटेड की कुछ बात है वो तो कुछ अलग ही होती है। आप इसमें टायर्स चेंज कर सकते हो लेकिन आपको कंपनी फिटिंग में तो ये थिन टायर्स ही मिलेंगे। सेकंड इज द प्राइस। द ऑन रोड प्राइस ऑफ द ड्रम ब्रेक वेरिएंट इज ₹86,000 एंड डिस्क ब्रेक वेरिएंट इज ₹91,000। ऑल्दो इट ऑफर्स मैनी फीचर्स, लेकिन द प्राइस इज टू मच हाई फॉर दिस टाइप ऑफ कम्यूटिंग बाइक्स। फीचर्स तो काफ़ी अच्छे देती है लेकिन फ्रेंड्स, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग ही इस बाइक को प्रीफर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मच प्राइस इज लिटिल बिट हाई। थर्ड नेगेटिव पॉइंट इज द लुक। ऑल्दो बाइक में न्यू चेंजेस हैं, न्यू ग्राफिक्स हैं, बहुत सारे न्यू अपडेट है, फिर भी यंग पीपल के लिए अट्रैक्टिव नहीं है या फिर उनको ये पसंद नहीं आएगी। एज यू नो कि जो यंग जनरेशन है उनको स्पोर्टी लुक ज़्यादा अच्छा लगता है एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन अच्छा लगता है, सो यहाँ पर उनको कम। फोर्थ इज द सस्पेंशन सेटअप। ऑल्दो द बाइक इज़ कम्फर्टेबल बट फॉर थिन पीपल ओनली। अगर आप थोड़े से बल्की हो या फिर आप पिलियन के साथ राइड करना प्रीफर करते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है। अगर आप 2 पर्सन के साथ राइड कर रहे हो, हाई वेट हो या फिर आपका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, यू हैव टू एडजस्ट। फिफ्थ पॉइंट इज द ब्रेकिंग। ऑल्दो फ्रेंड्स, आपको इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है लेकिन आपको प्राइस थोड़े से ज़्यादा पे कर रहे होंगे डिस्क ब्रेक वाले वेरियंट के लिए। अकॉर्डिंग टू मी कंपनी को इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं देना था, इसमें सिर्फ डिस्क ब्रेक्स ही रखने चाहिए थे।
इसमें ड्रम ब्रेक्स तो हैं, लेकिन अगर डिस्क ब्रेक्स होते तो सेफ्टी बढ़ जाती राइडर की। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स से होंडा एसपी 125 के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो कर दो लाइक, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड स्टे सेफ।